Hi. So the last, few hours before the exam, you might be relaxing, I feel, I hope. And you have to appear for your NDA exam tomorrow. So this session is only to keep, only to motivate you and based upon some of your queries that you asked us. Right? There are some question which I filtered out. आप में से जिन बच्चों ने मैसेज किया या कुछ फोरम्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप जहाँ बच्चे क्वेश्चन डालते हैं. सो आई कैटेगराइज दिस क्वेश्चन इन कॉमन क्वेश्चन कॉमन क्वेरीज एज वेल एज फालतू क्वेश्चन राइट. एंड दिस सेशन आई एम गोइंग टू टेक फॉर मैथमेटिक्स हाउ एक्चुअली वी हैव टू अप्रोच फॉर द मैथमेटिक्स पेपर. ऑल दो कोई किसी को बता नहीं सकता कि कैसे करना चाहिए. इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन. यू आर द बेस्ट जज टू डिसाइड हाउ यू हैव टू परफॉर्म. कोई चमत्कार नहीं होता. आप खुद डिसाइड करते हैं कि आपका एग्जाम का दिन एंड हाउ एक्चुअली योर एग्जाम वेंट अपॉन. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू अटेम्प्ट. सर ऑर्डर क्या होना चाहिए पेपर अटेम्प्ट का. तो देखो इन सब क्वेश्चन पे यूट्यूब पे बहुत सारा ज्ञान अवेलेबल है. कहीं जुगाड़ है, कहीं प्यार है, कहीं ज्ञान का भरमार है, बट कहीं कॉन्सेप्ट का बौछार नहीं है. मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट इन साइंस एज वेल राइट. तो ये जुगाड़ उगाड़ ये सब कुछ नहीं होता, ना प्यार होता. और भाषण जैसे यूट्यूब पर प्रवचन बहुत है, मैं भी दे ही रहा हूँ राइट. इन सबों से बहुत कुछ नहीं होगा. आपने क्या पढ़ा है इतने दिनों में, पिछले 2 साल में, पिछले 1 साल में, शायद पिछले 2 महीनों में. कुछ लोग तो 30 दिन में भी तैयारी करते हैं, एज जैसे आई डोंट नो हाउ 30 दिन में वो कैसे करते हैं राइट. ऑर्डर देखो, पहली चीज 120 क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स में अगर आपके पास. सो देर आर सम क्वेश्चन विच आर इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब सीधा फॉर्मूला लगाया आंसर पाया. एंड थर्ड इज रिपीटेड. इन तीन कैटेगरीज को मिला के मिनिमम, आई सेड मिनिमम 32 से 36 क्वेश्चन होंगे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, जिसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. और मैं मिनिमम बोल रहा हूं, इट कैन गो अप टू 47 एज वेल. आप 2018 का पेपर उठा कर दिखाओ, 47 क्वेश्चन से जो सीधा फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ. कुछ दिमाग नहीं, एकदम लल्लू टाइप क्वेश्चन, कहीं कुछ नहीं रखा उसमें. सो दिस आर द स्ट्रेट फॉरवर्ड जिसमें कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती. और मैं इसमें मॉडरेट भी काउंट नहीं कर रहा हूं. इफ यू ऐड दिस द सेकेंड स्टेप इज मॉडरेट. शायद 2 स्टेप में क्वेश्चन हो, जैसे क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन हो गए, मे बी ट्रिगो इनवर्स ट्रिगो के हो गए ऐसे. सो कुल मिला के आपके पास 120 में से 60+ क्वेश्चंस होते हैं जो आसानी से डुएबल होते हैं. एंड दैट विल हार्डली टेक 60 to 70 मिनट्स. ऐसे 60 से 70 क्वेश्चन जरूर होंगे जो आपके 75 मिनट में आराम से हो जाएंगे. उसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है. ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू पिक एंड चूज. स्टेप 1, पेपर मिला पलटना है. जो क्वेश्चन आता है पहले धराधर करते गए. ये काउंट नहीं करना कि मैंने कौन सा चैप्टर का कर रहे हैं. आप देखते जाओ ये क्वेश्चन, जैसे वेक्टर का है, अरे डॉट प्रोडक्ट है तो परपेंडिकुलर वाले केस में लैम्डा की वैल्यू आ गई. मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, आर क्रॉस एफ है. वेक्टर के क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन, वेक्टर प्रोबैब 3D एंड APGP सिलेबस में है. अच्छे से क्वेश्चंस भी आते हैं, कम से कम 20-22 क्वेश्चन इसके हो गए. ट्रिगो भी आपको अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड लगती हो, दैट अगेन डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन राइट. आप सीधा फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर आएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप ऐसे क्वेश्चन को सीधे करते जाएं. डोंट काउंट, काउंट करना मना है कि कितने किए. जितने होते हैं करी जाओ, कहीं नहीं रुकना. लास्ट तक जितने हो गए करे जाओ, उसके बाद देखेंगे. बट अगर आपको लगे कि एक क्वेश्चन में फंस रहे हैं, मतलब टाइम लगेगा, थोड़ा वियर्ड है, आप उस पर तुरंत बैकअप करो और आगे बढ़ जाओ राइट. बट पहले अटेम्प्ट में चुनना वही है जिस पे आप अटैक कर सको. नहीं ये मैं पक्का करूंगा, देख के लगता है ना, मुझे भी लगता है, आपको भी लगता होगा. ऐसे क्वेश्चन करने, डोंट काउंट द नंबर ऑफ क्वेश्चन यू आर डूइंग. सेकेंड, हाउ मच टू अटेम्प्ट. यही बात मैं कर रहा था इनडायरेक्टली, कि आपको ये गिनना ही नहीं है कि कितने अटेम्प्ट करने. अगर आप पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, आप अच्छे कैंडिडेट हैं, आपकी मैथ्स अच्छी है. सिंस इफ यू टॉक अबाउट आवर कोर्स, हमने 100% मैथ्स में कवर किया है. जो हमारे क्लासरूम प्रोग्राम के बच्चे यहाँ देख रहे होंगे, दे कैन इनफैक्ट कमेंट अपॉन, हमने 100% कवर किया. इवन स्टैटिस्टिक्स तक किया है, बाइनोमियल जो हेक्साडेसिमल डेसिमल है, बाइनरी सिस्टम एज वेल एज लॉगरिथम पे भी एक पूरा सेशन लगाया 25 क्वेश्चन का. तो आपने अगर ये वाकई किया है, जो हमारा 35 डेज की जो डेली MCQ डिस्कशन थी चैप्टर वाइज, आपने 100% तैयारी की है, 100% 120 क्वेश्चन का 80% भी आपको अगर कॉन्सेप्ट याद है, तो दैट मींस मोर और लेस. अब 80 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, लेट सपोज कि आप भूल गए, आप प्रेशर में है, टेंशन में, मास्क लगा रखा है, एग्जाम हॉल में प्रेशर है, 70% भी याद है. 84 क्वेश्चन का बजट होता है, 84 क्वेश्चन इज अ बिग नंबर. एंड इफ यू हैव स्टिल 80% एक्यूरेसी, 84 आपके टारगेट में है, दैट मींस कि 30 क्वेश्चन आप छोड़ने के छोड़ भी दें कोई प्रॉब्लम नहीं होती. बट आप अच्छे बच्चे हैं तो आप करते रहिए. आप मैं चाहूंगा आप 100 से ज्यादा करें. 84 का आप 80% भी एक्यूरेसी ले ले तो भी 60+ आ जाता है आपका.
दैट मीन्स कि 150 140 में तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। इनफैक्ट मेरा मानना है कि अगर आपके 130 140 हैं मतलब आप सीरियस एस्पिरेंट शायद नहीं है, मतलब आपने वाकई 70 दिन मेहनत नहीं की, 80 दिन मेहनत नहीं की है, यह हकीकत है। राइट, सो अटेम्प्ट एज मच एज यू कैन। रुकना क्यों है, बढ़ते रहो जितना हो सके, मैथ्स में करो। मैथ्स में कॉन्सेप्ट होता है, कोई फैक्ट तो है नहीं, कॉन्सेप्ट आपका सही है तो सही रहेगा, जुगाड़ और प्यार से काम नहीं चलेगा यहाँ पे, ये बात आप हमेशा याद रखना, आपको एग्जाम सिखाएगा। राइट, इनफैक्ट जेई मेंस में भी देखो इस बार कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन हर पेपर में रिपीटेड आ रहे हैं, तो यहां भी आता है। इसमें तो वैसे भी जो क्वेश्चन का लेवल है वो जेई मेंस का 60% होता है, मैथ्स में बहुत आसान होता है, एनसीईआरटी और आरडी शर्मा टाइप होते हैं। हाउ मच इन फर्स्ट गो, एज मच इज पॉसिबल, अगेन आपको आता गया आप क्वेश्चन करते जाइए, बट सीरियल ऑर्डर में नहीं करना अपने को। राइट, फिर भी सर एक आइडिया जनरल आप पूछोगे। राइट, सो आई बिलीव कि फर्स्ट गो अगर आपने वाकई 80% सिलेबस कवर किया है, इट शुड बी 60+, 60+ आप आराम से पहले 70 मिनट में कर सकते हो, दैट विल पुट यू ऑन सेफ साइड। राइट, जैसे कि एपीजीपी के क्वेश्चन हो गए, बहुत आसान होते हैं, क्वाड्रेटिक के भी कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इफ यू टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी, इफ यू टॉक अबाउट कैलकुलस, कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चन, लिमिट्स वाले क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, ऐसे भी होते हैं क्वेश्चन। राइट, सो यू कैन गो फॉर एज मच एज कैन, बट 60+ इज द मिनिमम जो आपको पहले अटेम्प्ट में करना चाहिए अगर आपने वाकई 80% सिलेबस कवर किया है। शुड आई टेक ए गेस, येस और नो, क्या हम जुगाड़ लगाना चाहिए? आई बिलीव नो। अगर मान लो मैथ्स का क्वेश्चन अगर मुझे नहीं आता, मैं देख करके तो आंसर नहीं करूंगा ना। राइट, देख करके तो एलिमिनेट नहीं होगा, या तो वो क्वेश्चन आएगा या 50% आएगा, ऐसा कुछ होगा। अगर फिर भी मैं दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हूं, देन आई विल टेक द रिस्क, बट स्टिल आई बिलीव कि मैथ्स में तो तुक्का नहीं होगा, अगर मुझे आता है क्वेश्चन तो 80% चांसेस है कि वो सही होंगे, अल्टीमेटली अगर मैं कैलकुलेशन गलत ना करूं तो मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा तुक्का ना मारें, बट अगर आपको लगता है कि इन दोनों में से कोई एक है तो यू कैन टेक द रिस्क, इट ऑल डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। आई एम फीलिंग एंग्जियस, चिंता में है, टेंशन में है, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जैसे आपने टेस्ट दिया, वी हैव अराउंड 13 टेस्ट, 13 टेस्ट दिए आपने ना, बहुत किया है आपने, वाकई ईमानदारी से कर रखा है ना, मतलब 700 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए हैं मोर और लेस, 700 क्वेश्चन अगर कर रखा है वाकई, तो पेपर में 80-70 अटेम्प्ट आराम से होगा, 70+ तो गारंटेड है, कोई नहीं रोक सकता। आपको सोचना नहीं है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना आपके सामने, तो आपके दिमाग में खुद ब खुद आएगा। देखो आपको लगता है इट्स नेचुरल, मैं भी पेपर देने, अगर मेरे सामने पेपर रख दिया मुझे नहीं लगा क्या आएगा, इट्स नेचुरल थिंग, पॉजिटिव एंग्जाइटी, बट जब आप पेपर करने बैठोगे आपको खुद ब खुद रिकॉल होने लगेगा, एंड एवरीथिंग विल बी ट्रांसपेरेंट, सो डोंट वरी फॉर दैट। राइट, इसमें आपको सोचना नहीं है, सब अच्छा होगा और 150+ होगा किसी भी हाल में, वर्स्ट केस। राइट, फालतू क्वेश्चन, जो यूट्यूब पे ज्ञान चल रहा है ना, YouTube पे ज्ञान बहुत बढ़ता है। देखो मैं भी आपको प्रवचन ही दे रहा हूँ, तो आजकल क्या है, आप कोई भी प्रवचन दे रहा है, राइट, सो प्रवचन सुनने वाले लोग भी बहुत हैं एक्चुअली, इसीलिए। राइट, कट ऑफ कितनी होगी, ये फालतू क्वेश्चन है, उससे तुम्हें क्या मतलब है, और क्या मैं और तुम डिसाइड करते हैं कट ऑफ, बच्चे कैसे बैठते हैं, पॉइंट नंबर वन। दूसरा कि अगर मुझे ये पता है कि 130 प्लस लाने पे मैं आराम से सेफ साइड हूं, व्हाई शुड आई वरी अबाउट कट ऑफ कितनी होगी, ये तो वो बच्चा पूछेगा ना जिसको कुछ नहीं आता, करना धरना कुछ नहीं, बस कट ऑफ कितनी होगी, ये फालतू क्वेश्चन है, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। बट इतना मुझे पता है 130 प्लस इज वेरी वेरी वेरी, मतलब यू नो, इतना आप आराम से लाओगे अगर आपने वाकई करा है, क्योंकि मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो वाकई पढ़ रहे हैं। सेकंड, क्या पेपर टफ होगा, हु आर वी टू डिसाइड, ये टफ और इजी तो रिलेटिव चीज होती है। दूसरा, यूपीएससी में ना मेरे रिश्तेदार है ना किसी टीचर के रिश्तेदार है, तो अगर इन बातों पे चर्चा हो रही है वो आपका टाइम खोटा हो रहा है और कुछ नहीं, सब देखने की जरूरत नहीं है, पेपर वैसा ही होगा जैसा पहले होता था। ये जो जेई लेट हो गया या फिर यू नो पहला एनडीए नहीं हुआ, कोरोना का माहौल है, कुछ नहीं होना, ये सब चीज़ें जो फालतू की बातें हैं, जिनको कुछ नहीं आता यही सब बकवास पेलते रहते हैं और कुछ नहीं है। कौन सा टॉपिक इजी या एवरेज आएगा, डज इट मैटर, डजंट मैटर, अरे तुम्हारे सिलेबस की चीज है मैथ्स में, वेक्टर टफ हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, आप कोई सा भी क्वेश्चन ले आओ वेक्टर का, इट्स ऑलवेज इजी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टफ क्या होएगा, 3D में फॉर्मूला लगना है, आपके लेवल पे जो एलिप्स हाइपरबोला के क्वेश्चंस आते हैं इतने इजी आते हैं, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ आते हैं, सो डज इट मैटर। सो दिस आर रिडंडेंट क्वेश्चन, जिसका आंसर देना और सुनना दोनों समय की बर्बादी है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है, पेपर उठाएं सीधा, सीरियल ऑर्डर में नहीं, आप क्वेश्चन इजी चुने, जो आसान क्वेश्चन है करते जाएं, जब तक हो रहा है करते जाएं, चाहे वो 110 क्यों ना पहुंच जाए। राइट, कदम बढ़ाते रहो, सब कुछ होगा, इसमें कुछ नहीं सोचना है, यू हैव डन योर बेस्ट फॉर द लास्ट 80 डेज 90 डेज और मे बी फॉर द 2 ईयर्स। राइट, जिस बच्चे ने जितना किया है, जितना आपको लगता है ना अभी आएगा उतना जरूर आएगा,
आप इससे बिल्कुल मत डरो, क्राउड तो बस एक नंबर है, मे बी 3 लाख स्टूडेंट्स अपीयरिंग, भरा तो फॉर्म 5 लाख होगा ना, बच्चे तो कम अपीयर हो रहेंगे, जैसे चाहे हो सकता है कुछ बच्चों ने छोड़ दिया हो, जेई वाले बच्चे हैं कुछ भूल जाते हैं, ऐसा भी होता है, एबसेंट हर एग्जाम में होते हैं, सो आप डजंट मैटर, कॉम्पिटिशन हमेशा सिर्फ 20% बच्चों में है, ऊपर के 20,000 बच्चे बहुत होते हैं, इसके बाद वाले जो बच्चे हैं ना दे आर रिडंडेंट, वो बस फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, दोबारा फॉर्म भरते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते, और उसके बाद क्या होता है एग्जाम आते आते वो TES की तैयारी करने लगते हैं, बहुत बच्चे होते हैं NDA करते करते TES की तैयारी करते हैं कि अब मेरे बस का है नहीं, राइट। सो आपको ये सोचना नहीं है सिर्फ 20,000 बच्चों में कॉम्पिटिशन है, बहुत ही छोटा नंबर है, और आपने जो करा है वो सफिशियंट है टू स्कोर 150+। विद दिस नोट I would like to conclude the mathematics discussion. I feel कि ये बातें शायद आपके लिए helpful हो. Still the last but not the least, try to make sure attempt the easy questions. Vector, probability, PNC, binomial, बहुत straightforward. APGP, कुछ लोगों को matrix determinant आसान लगती है, कुछ को trigo लगती है. जो बिहार यूपी के छात्र हैं उनको trigo बहुत आसान लगती है. आप कीजिए कोई दिक्कत नहीं. Every question carries equal marks. जहां से हो number लाना है और करके दिखाना है. Thank you. All the best for the exams. Bye.